हमारी दुनिया पेड़ों की वजह से बहुत बेहतर है। सोचिए कैसे होता अगर दुनिया के सारे पेड़ गायब हो जाएं। जरूर बहुत ही खराब, पर हर पेड़ वैसा नहीं है जैसा वो ऊपर से दिखता है। बिना पेड़ों के हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं होगी, पर हर पेड़ सामान्य नहीं होता। कुछ पेड़ दिखने में बहुत ही मामूली लगते हैं पर होते नहीं है। ये लिस्ट है दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रीज की, तो देर किस बात की, जल्दी शुरू करते हैं यह लिस्ट। नंबर 1, सैंडबॉक्स ट्री। ये पेड़ डरावने सपने से लिया हुआ एक पेड़ लगता है। इसको देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये देखने में ही खौफनाक लगता है। इस पूरे पेड़ पर कांटेदार स्पाइक्स मौजूद हैं, जिसको देखकर कोई भी पहली नजर में घबरा जाएगा। ऐसा लगता है कि इस पेड़ को कोई बीमारी हो गई है, पर आप इससे ज्यादा गलत भी नहीं हो सकते क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। इस पेड़ की ऐसी बनावट होने के कारण इसका निकनेम द मंकी नो क्लाइंब रख दिया गया है, और ऐसा सही भी है क्योंकि कोई बंदर इस पर चढ़ना नहीं चाहेगा। ये पेड़ को आप नॉर्दर्न अमेरिका में पा सकते हैं। इनको इनवेसिव स्पीशीज भी माना जाता है। इसका ये मतलब होता है कि ये वहाँ पर नेचुरली नहीं ग्रो करते। अगर आपको सिर्फ ये कांटे देखकर ये चीज नहीं समझ आई है कि आपको इसके पास नहीं जाना चाहिए, तो इसके पास एक और हथियार है आपको वहाँ से भगाने के लिए, और वो है उसका फल। कद्दू जैसे दिखने वाला ये वाला फल बहुत ही घातक है। इस पेड़ का एक और नाम है, वो है द डायनामाइट ट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका फल ब्लास्ट कर जाता है, और ये भी मामूली तरीके से नहीं। इसका फल बहुत ही भयंकर तरीके से फटता है। इस फल के फटने पर इसके सीड्स लगभग 300 फीट दूर तक फैल जाते हैं। इसके फल एक बम के समान फटते हैं। अगर आपको इसके पास जाना है तो बहुत ही सावधानी से जाना होगा, और बिना प्रोटेक्टिव सूट पहने इसके पास जाना बेवकूफी भरा रहेगा। नंबर 2, स्ट्रिक्नीन ट्री। ये पेड़ पिछले पेड़ से थोड़ा अलग है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेड़ जहरीला है, इसीलिए इस पेड़ को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। पेड़ के दो निकनेम हैं, पहला है द सीमन स्ट्रिक्नोज और दूसरा है द पॉइजन नट, और ये पेड़ आपको मिल सकते हैं हमारे प्यारे भारत में। जी हाँ, आपने सही सुना, इस फल के बीज जहरीले होते हैं, पर तभी भी इन पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल जानवर को मारने के लिए और कीड़ों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ की एक और खासियत ये है कि इसके बाक में भी जहर पाया जा सकता है। इनको छूने से हमारे चमड़ी पर रिएक्शन हो सकता है। काफी लोगों की मौत भी हो गई है इस पेड़ के आसपास सांस लेने की वजह से। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये पेड़ कितना घातक हो सकता है इंसानों के लिए, तो आप इस पेड़ से दूर ही रहे तो बेहतर है। नंबर 3, जिम्पी जिम्पी। इस पेड़ का नाम सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये पेड़ घातक हो सकता है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, पर आप इससे धोखा मत खाइएगा। इस पेड़ के अंदर भी बहुत ही खतरनाक जहर पाया जा सकता है। ये पेड़ ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मरीना हर्ली नाम की एक एंटोमोलॉजिस्ट ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था, और उसी समय उनके साथ एक दुर्घटना भी हो गई। दरअसल इस पेड़ की हर पत्ती पर कांटेदार और बाल जैसे छोटे छोटे रोए हैं, और इन्हीं में होता है जहर। ये बाल को छूने से शरीर में न्यूरोटॉक्सिन चला जाता है। मरीना हर्ली प्रोटेक्टिव गियर पहनी हुई थी, इसके बावजूद उनके अंदर ये पेड़ का जहर चला गया। शुरुआत में तो उनके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड थे, पर थोड़ी ही देर में उनकी आंखों से पानी आने लगा, साथ ही साथ उनका नाक भी बहने लगा। पर तुरंत बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उनको गांव के अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में हॉट एसिड डाल दिया गया, पर अच्छी बात ये थी कि वो इससे बच गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गई, और अब वो और ध्यान से अपने काम करती हैं। नंबर 4, एंजल ट्रम्पेट। ये पेड़ बहुत ही मामूली लगता है, और ऐसा लगता है कि आप इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। अभी तक तो आपको पता ही होगा कि ये पेड़ भी विषैला है। इनको बर्गमैनसिया भी बोला जाता है। इनकी फूल बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, पर ये पूरा ही पेड़ विषैला है। इसका आप कोई भी हिस्सा खाएंगे तो आपकी मौत हो सकती है। इससे आपको माइग्रेन, हेडेक, कंफ्यूजन, अल्यूशन, हलुसिनेशन जैसी चीजें हो सकती है, और कुछ परिस्थितियों में तो आपकी मौत भी हो सकती है। आप थोड़ी देर के लिए मदहोश या पागल भी हो सकते हैं, पर ये पेड़ नेचुरली नहीं मिलता और इसको खुद से उगाना पड़ता है, तो आपको ये पेड़ जंगलों में नहीं दिखाई देगा। अब चलते हैं सबसे खौफनाक और खराब पेड़ पर। नंबर 5, शिपवर्म ट्री। इस पेड़ का नाम इस पेड़ के अंदर पाए जाने वाले कीड़ों से है, जो कि दिखने में केचुए और जोंक जैसे दिखते हैं, पर ये कीड़े नहीं है, ये एक तरह से पानी में पाए जाने वाले क्लैम्स हैं।
ये पेड़ की जड़ पानी के नीचे होती है, जिससे कि ये पेड़ में क्लैम्स घुसाते हैं। ये क्लैम्स इसी को अपना घर बना लेते हैं और इसको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। चाहे ये कितने भी खराब दिखने में हो, पर इन शिपवर्म का एक इस्तेमाल भी है। वहाँ के लोकल लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। इसको फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड में खाया जाता है। क्या आप कभी कुछ ऐसा खाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और अब एक बोनस पेड़ हमारी तरफ से, कास्टर बीन ट्री। ये पेड़ जहरीला होने के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा उगाया जाता है। पर ऐसा क्यों और इसकी खासियत क्या है? दरअसल ये पेड़ बहुत ही फेमस है और इसी की वजह से इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। इस पेड़ के बेस के अंदर रिसिन नाम का जेह पाया जाता है। इस पेड़ के बाकी जगहों में भी जेह होता है, पर उसकी मात्रा काफी कम होती है। इस पेड़ के चार बीज खाने से एक इंसान की मौत हो सकती है, पर हो सकता है आप इसका इस्तेमाल भी करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बीज से निकलता है कास्टर ऑयल, जो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही सालों से हो रहा है। तो जिस बीज से जहर निकलता है, उसी से तेल भी निकलता है, और हम लोग तेल को इस्तेमाल करते हैं जो जहरीला नहीं होता। इसी की वजह से कहा जाता है कि नेचर बहुत अजीब है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।